गाइस वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। और कैसे हैं आप सभी? हम भी एकदम बढ़िया हैं। देखिए रेडी हो गए हैं और जैसा कि आप समझ ही गए होने कि आज का हमारा व्लॉग कैसा रहने वाला है। अभी जो है थोड़ी देर में बारात आने वाली है और हम दोनों अभी रेडी हो गए हैं। ये देखिए हीरो यहाँ पे, क्योंकि हमने बारात की एंट्री हमने करनी है। यस, मतलब जो भी बाराती आएंगे उन सभी को जो है शगुन के पैकेट देने हैं, तो हम दोनों की ड्यूटी लगी है। तो बस अभी बारात जो है 5-15 मिनट तक पहुंच जाएगी ना। हाँ जी, तो ये वाला व्लॉग आप बिल्कुल मिस मत करना, स्किप मत करना। आज हम आपको दूल्हा दुल्हन का जो भी लगन होगे एटसेट्रा सब कुछ बताने वाले हैं। हेलो एरी, एंड ये दुल्हन के ब्रदर। आप हो गए रेडी? तो ओके गाइज, अभी जो है आपको बारातियों के साथ ही मिलते हैं हम थोड़ी देर में। पूरी चेयर खाली है और थोड़ी देर में सारी भर जाएंगी। इधर कौन कौन बैठे हैं? हेलो हेलो, ये हमारे दो काकू हैं। हेलो। और ये देखिए बारातियों के लिए मिठाइयाँ लग चुकी है, बस अब बारातियों का इंतजार है और फिर सभी के लिए मिठाइयाँ पेश की जाएंगी। इधर बैठे हैं अभी अंकल जी हैं, ताऊ जी हैं, भाई हैं और रोहित। और इधर कौन कौन बैठे हैं अभी? बुआ जी हैं और भाभी जी, दीदी। क्या कर रहे हो आप सभी? बैठे हैं, अभी बारात आने वाली है थोड़ी देर में, आ जाओ बाहर। ताऊ जी भी खड़े हो गए अभी बारातियों के स्वागत के लिए। Yes. तो कैसा लग रहा है आपको? गीतू की शादी अच्छा, हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है ना? बहुत मजा। और आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आपकी टोपी तो वाह वाह, क्या कहना। ठीक अच्छा, है ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ठीक है, देखिए अभी सभी बाराती बैठ चुके हैं यहाँ पे और बस इनका जो है अभी स्वागत तो हो गया, बाकी अभी मिठाइयाँ और खाना पीना पेश किया जाएगा। और ये देखिए हमारे दूल्हे राजा, साथ में उनके सिस्टर और ब्रदर बैठे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए बहुत सारी बारात आई है। अंदर भी सभी खाने पीने का मज़ा ले रहे हैं। देखिए ठंड हो गई है तो सभी गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं और मिठाई तो बहुत कम खा रहे हैं। कईयों ने ली है, कईयों ने नहीं ली है, बोले मन नहीं कर रहा। और हमारा काकू अभी जो है दूल्हे राजा को तिलक लग रहा है, थोड़ी सी पूजा हो रही है। ये एक दुल्हन के पक्ष के पंडित है और एक दूल्हे के। शुरू हो चुकी है मिलनी दुल्हन और दूल्हे के पक्ष के। ये अभी हो रही है ताऊ जी की मिलनी, दोनों लोग एक दूसरे को हार पहनाते हुए और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए। ये आ गए पापा जी। अरे वाह, क्या नज़ारा है, बहुत खूब, बहुत अच्छे लग रहे हैं सभी। और साथ में दुल्हन के जीजा जी और दूल्हे के जीजा जी की मिलनी होते हुए और दोनों जने एक दूसरे को तिलक करते हुए, हार पहनाते हुए। लोकेश कैसे शर्मा रहे हैं देखिए। अरे वाह, दूल्हे की जीजा जी ने भी जो है लोकेश को हार पहना लिया और लोकेश अब उनको चादर पहना रहे हैं। ये देखिए, तो मिलनी का कार्यक्रम जो है बहुत अच्छी तरह हुआ। अभी खिलाई जाएगी मिठाई, लोकेश खिलाएंगे सबसे पहले, बोल रहे हैं आधा सा करता हूँ। ये अब दूल्हे की जीजा जी खिला रहे हैं, तो चलिए अभी अगर एंड दूल्हे वालों का जोरदार डांस चला हुआ है। ये देखिए वाह वाह, बहुत एंजॉय कर रहे हैं सभी लोग और बहुत मज़ा आ रहा है हमें भी। साथ में ही हमारी दुल्हन भी हो रही है रेडी, कबीर पार्लर, जो कि मैंने भी अपनी शादी में यही करे थे। बहुत अच्छा मेकअप करते हैं और हमारी दुल्हन का लहंगा बहुत सुंदर है एंड ये रेडी होकर बहुत अच्छी लगने वाली है, तो अभी देखते हैं कैसी लगेगी। अरे वाह, मज़ा ही आ गया, बहुत प्यारी लग रही है मेरी गीतू दीदी। ये इसका लहंगा जो कि बहुत प्यारा है, क्लीरे एंड मेकअप, ज्वेलरी, सब कुछ, एवरीथिंग, वाओ, बहुत अच्छा।
तो गाइज अभी जो है सुबह के 3 बजने वाले हैं और 3:30 बजे गिट्टू के लगन शुरू हैं। बाकी दुल्हन भी इधर रेडी है और हम सभी भी रेडी हो गए हैं, बस दूल्हे का इंतज़ार है। फिर गेट पे थोड़ा सा काम होगा और ये हमारी दुल्हन यहाँ पे। राजा के चरण धोते हुए एक रिवाज है जो कि जवाई के चरण धोने पड़ते हैं लगन से पहले, और साथ ही थोड़ा पूजा पाठ। अभी दूल्हे की आरती होगी, नज़र उतारी जाएगी जो कि अभी चला हुआ है यहाँ पे काम, और हमारी वेद भी सज्जे है ये देखिए, जहाँ पे अभी लगन होने वाले हैं पति और पत्नी विवाह। शुरू हो चुका है द्वारशन लगन। पहले जो है ये वाला लगन होता है, दूल्हे और दुल्हन को एक दूसरे की शक्ल नहीं दिखाई देती है। उसके बाद होगा वेद वाला लगन, तो अभी तो वही चला है वहाँ पे, फिर दूल्हा आ जाएगा वेद में, उसके बाद दुल्हन। अभी देखिए यहीं पे पूजा हो रही है, पंडित जी भी जो है अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे दूल्हे के पक्ष के बैठे हैं हमारे दूल्हे राजा आगे हैं वेद के पास। एंड अभी लग रही है दूल्हे राजा को धोती, जो कि बोलते हैं लगाना पड़ती है, जो भी इन्होंने पैंट डाली थी उसके साथ लगन नहीं कर सकते, ये एक रिवाज है। लगन से पहले जो है धोती लगाना बहुत ज़रूरी है। तो दूल्हे राजा तो अभी दुल्हन का वेट कर रहे हैं कि कब मेरी दुल्हन आएगी और कब फटाफट लगन होंगे, और दुल्हन भी इधर रेडी है जाने के लिए, इसको भी यही वेट है कब मैं अपने दूल्हे के पास जाऊं और हमारी शादी का कार्यक्रम जो भी चला हुआ है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए। तो बस अभी थोड़ी देर में जाएगी और ये आ गई दूल्हे राजा के पास उनकी दुल्हन। शुरू हो चुका है इनके लगन का कार्यक्रम, अभी पूजा पाठ हो रही है और जो भी होता है मंत्र वगैरह सब कुछ हो रहे हैं, और अभी बज रहे हैं तकरीबन सुबह के बज रहे हैं 4:15। और इनको देखिए थोड़ी थोड़ी आँखें में ठिक रही, नरी जमाइया कर रही, थोड़ी थोड़ी टोलनी लगी रही, ये देखा बाकी टोली देखा बहुत काम किया इस बंदे ने, बाकी नजर दे रखा खाने का सा नहीं नहीं ने बंदे काम किया। गंधर्वअप्सराय गणमंडितं हंसकलावतं शुक्र शारिकनादितं किंकेशक समर्पितं दिव्य विमोच। लीजिए शुरू हो गए हैं फेरे, जो कि शादी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो अभी जो है दुल्हन है आगे, दूल्हा है पीछे, और दुल्हन के भाई दूल्हे के दुल्हन के लहंगे को बचाते हुए कि आग
पूरी रात लगी और फाइनली टाइम आ चुका है जयमाला का। तो अभी जो है दूल्हा अपनी दुल्हन को हार देंगे और दुल्हन जाएगी स्टेज पे और चली भी गई। बाकी जयमाला शुरू होने वाली है। पहले तो भाई फोटोग्राफर मेन है, सबसे पहले फ़ोटो, उसके पास सारे काम और शुरू होगी जयमाला। दुल्हन दूल्हे को जयमाला पहनाती हुई, बट दूल्हा कहा भाई नहीं, इतनी आसानी से नहीं। देखिए कैसे कैसे ये पहना ही दिया कि कार दुल्हन ने जयमाला। और अभी फ़ोटो, फिर उसके बाद दूल्हे की टर्न है। दुल्हन दूल्हे को अंगूठी पहनाते हुए और साथ में फ़ोटो भी खिंचवा। नहीं लाड़ा पीछे खतरा दोनों जने इधर आ गए। ये वो पल है जो एक लड़की के लिए और लड़की के परिवार वालों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है अपनी ज़िंदगी में। जी हाँ, शुरू होगी ये विदाई। तो गाइस शादी हो चुकी है ख़त्म और देखिए जो टेंट वगैरह लगे थे आज पूरे घर की साफ सफाई करी। तो इस टाइम तो हालत बहुत ख़राब है, बट बैडमिंटन मैच रुकना नहीं चाहिए जो कि जोरों शोरों से लगा है अभी। तो आई होप गाइज आपको मेरा ये वाला व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि आप इस व्लॉग को बहुत सारा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। बाकी ओके गाइज, करते हैं इस वाले व्लॉग का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय, टेक केयर।